नमस्कार दोस्तों, फिल्म देखते समय अपने भीतर के अन्वेषक को संतुष्ट करना एक अनमोल एहसास है, जिसे दर्शक अक्सर थिएटर से बाहर निकलते समय अपने साथी दर्शकों के साथ साझा करते हैं। हालांकि सीबीआई श्रृंखला ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अपनी आसान धारणाएं बनाने का आनंद देती है, क्योंकि यह झूठ, नकली संदेह और बहुत कुछ की भूल भुलैयाओं के माध्यम से सच्चे अपराधियों को अपनी कहानियों में छुपाती है। सीबीआई 5 भी अलग नहीं है और निश्चित रूप से फ्रांची की अन्य फिल्मों का एक योग्य उत्तराधिकारी है। नए योग्य आईपीएस अधिकारियों के लिए यह एक सत्र में सीबीआई अधिकारी बालू यानी रेंजी पनिकर और शरद रमेश पिसारोड़ी एक ऐसे मामले का जिक्र करते हैं जिनसे उन्हें अब तक चकित कर दिया, जब तक कि अंत सीबीआई के हस्ताक्षर शैली में सच्चाई का सुराग सामने नहीं आया। यह मामला जो एजेंसी पर थोपा गया था, हत्याओं की एक श्रृंखला में शामिल था, जिसे मीडिया ने टोकरी हत्यारों के रूप में करार दिया। सेतुराम अय्यर यानी मामूटी इसे लेता है और वह हर सुराग यादों के टुकड़े और विचारहीन खतनों के बाद जाता है और अंत में असली खलनायक का पर्दाफाश करता है। जैसा कि फिल्म कई हत्याओं के इर्द गिर्द घूमती है, यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप तक खो सकते हैं जब तक आप पर्याप्त चौकस नहीं होते। कई संगीत है कि उनकी पहचान और मकसद और यहाँ तक कि विभिन्न दर्शकों की बेहतरीन ढंग से फेंकी गई हुक लाइनें आपको स्क्रीन पर हर दूसरे व्यक्ति पर संदेह कर सकती है। लेकिन जैसा कि वे फिल्म में सत्र में कहते हैं कि यह ऐसा मामला है जो वास्तव में दिमागदार अय्यर को भी चुनौती देता है, इसीलिए यह उन रील मामलों से एक नहीं जिन्हें शायद दिव घातु मान देखने का आनंद मिल सकता है। जांचकर्ताओं की तरह एक को भी उतरना ही शामिल होना चाहिए जितना नए परिदृश्य और संगीत सामने आते हैं, और यदि आप ऐसे दर्शक हैं जो इसे मनोरंजक पाते हैं तो कार्रवाई रोमांचकारी हो सकती है, यदि अन्यथा ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। पहले मध्यांतर बिंदु पर किसी का मस्तिष्क बहुत सारी जानकारी विश्लेषण और बहुत कुछ के साथ बुलबुला कर सकता है, क्योंकि पुलिस अभी भी पहली को एक साथ जोड़ रही है। दूसरे भाग में फिल्म हमें टेटर हुक पर रखने में सफल होती है, जब तक कि महत्वपूर्ण सुराग अंत में मिस्टर अय्यर द्वारा विच्छेदित नहीं किया जाता तब तक हमें काफ़ी दिलचस्पी होती है। यह किरदार मामूटी के लिए केक का एक टुकड़ा है, जिसका अय्यर के रूप में व्यवहार एक बार फिर उत्तम दर्जे का है। जबकि श्री कुमार के प्रशंसकों को उनके चरित्र विक्रम के माध्यम से स्क्रीन पर कुछ रमणीय महत्वपूर्ण क्षण भी मिलते हैं। अभिनेता की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कई कमियों का सामना करने के बावजूद उनके चरित्र को भी कहानी में शामिल करने के लिए टीम प्रशंसा की पात्र है। इस श्रृंखला का बहुचर्चित पृष्ठभूमि स्कोर एक बार फिर कहानी में पंच जोड़ता है, क्योंकि जांच दल करने अपने प्रत्येक मील के पत्र को पार करता है। कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसे दृश्य है जिनमें मुट्ठी भर लाशों को दिखाया जाता गया है और निर्माता मौतों की भीषण प्रकृति को छिपाने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे। उन लोगों के लिए जो इस तरह के दृश्यों को आसानी से पचा नहीं पाते, स्टार इष्ट और ट्विस्ट से भरपूर यह फिल्म उन लोगों के लिए एक रहस्य भरी ट्रीट है जो फ्रेंचाइजी और शैली से प्यार करते हैं। जितना हो सके उतनी चतुराई से बिगाड़ने वालों से दूर रहें। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।